नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का 10वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, हम आकृति के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक सड़क है बी से डी तक, जो 80 मीटर चौड़ी है। बी से डी तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। और सड़क के दोनों तरफ दो खंभे लगे हैं। यहां एक एबी खंभा है और सीडी खंभा है, ये समान लंबाई वाले हैं। यहां लिखा है आमने सामने समान लंबाई वाले, जितना एबी है उतना ही सीडी है, यानी एबी बराबर है सीडी के, ठीक है बच्चों। और सड़क पर बीच में कहीं एक बिंदु है पी, यहां से इस खंभे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इस खंभे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई, यानी सीडी निकालना है, एबी निकालना है और खंभों के बीच की और खंभों से बिंदु के बीच बिंदु की दूरी, इन दोनों खंभों से बिंदु की दूरी यानी बीपी और पीडी भी हमें निकालना है। तो आइए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम मान लेते हैं कि यह जो दूरी है यह है एक्स मीटर, ठीक है। और बच्चों, अगर यह एक्स होगा, टोटल देखो बी से डी तक है 80, उसमें से यह एक्स है, तो यह कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टोटल 80 है ना, ये x है, मान लो ये 20 है तो ये होगी 60, ये 30 है तो ये होगी 50, क्योंकि दोनों को प्लस करके 80 आना है। ऐसे ये x है तो ये होगी 80 माइनस एक्स बीपी, ठीक है बच्चों। तो हम यहां लिखते हैं, मान लो PD बराबर x मीटर, तो बीपी हो जाएगा 80 में से x माइनस कर दो, यानी 80 माइनस एक्स मीटर। तो आइए अब हम प्रश्न करते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं बच्चों, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी पी और दूसरा बन रहा है सी डी पी। तो इनमें से हम कोई भी त्रिभुज पहले ले लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज सी डी पी इन ट्राइंगल सी डी पी। इसमें देखो थीटा है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री यह बराबर होगा प्रपेंडिकुलर बटा बेस, और बच्चों प्रपेंडिकुलर है इसमें सी डी बटा बेस है पी डी यानी कि एक्स, ठीक है बच्चों। बच्चों हम साथ की साथ ही मान लेते कि ए बी और सी डी, क्योंकि इनकी लंबाई सेम है, तो हम दोनों इन दोनों को ही मान लेते हैं h मीटर के बराबर, ठीक है। यहां लिख देते हैं, मान लो ए बी बराबर सी डी बराबर h मीटर, इसका मतलब ए बी भी हो गया h मीटर और सी डी भी हो गया h मीटर। अब देखिए tan 60, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों रूट तीन बराबर सी डी। सी डी किसके बराबर निकाला अभी, h, ये माना था हमने कि सी डी एच के बराबर है, बटा एक्स। यहां से बच्चों एक्स का जो एच आ जाएगा, एक्स यहां पे इसके साथ भाग हो रहा, उधर जाके रूट तीन से गुना हो जाएगा और रूट तीन एक्स, ये एच का मान आ गया है यहां से। अब हम लेंगे बच्चों दूसरा त्रिभुज यानी कि ए बी पी। देखिए इन ट्राइंगल ए बी पी, जैसे ऊपर किया वैसे ही हम यहां करेंगे। ए बी पी त्रिभुज में टैन, अब उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर बटा बेस के, और बच्चों इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर है ए बी यानी कि एच, ए बी बटा
बेस है 80 माइनस एक्स। तो बच्चों टेन 30, टेन 60 होता है रूट थ्री, टेन 30 होता है बच्चों 1/√3। यह बराबर होगा ए बी, ए बी किसके बराबर है एच के बटा 80 माइनस एक्स। यहां से बच्चों देखिए 80 माइनस एक्स एच से भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो एक से गुना हो जाएगा, तो हमारे पास एच आ गया 80 माइनस एक्स, एक से गुना होकर बन गया 80 माइनस एक्स, नीचे है बटा रूट तीन। बच्चों देखो ध्यान से, ये है इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। यहां एच की वैल्यू इसके बराबर है, इक्वेशन टू में एच की वैल्यू इसके बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें मिल गया रूट थ्री एक्स बराबर होना चाहिए 80 माइनस एक्स बटा रूट तीन के। यहां से बच्चों देखिए हम आगे इसको हल करते हैं, हाँ रूट थ्री एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन में एच जो है रूट तीन एक्स के बराबर था, इक्वेशन टू में एच इसके बराबर, एच एच लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगी, यही हमने यहां लिखा रूट थ्री एक्स बराबर है 80 माइनस एक्स बटा रूट तीन के। यहां से देखिए रूट तीन इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुना होगा, रूट तीन को रूट तीन से गुना कर दो, तीन एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, तीन एक्स, एक्स यहां पे इसके साथ माइनस हो रहा है 80 के साथ, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 80, तीन एक्स प्लस एक एक्स चार एक्स बराबर 80। तो बच्चों देखिए हम इसे आगे हल करते हैं, यहां पर चार एक्स बराबर 80, तो x आ गया 80, चार एक्स के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो देखिए चार से 80 कट जाएगा 20, इसका मतलब x आ गया 20 मीटर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब PD आ गया 20 मीटर और बीपी कितना आ गया 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। इसका मतलब इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी है 20 मीटर और 60 मीटर। अब साथ की साथ है हमें खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, यानी ए बी और सी डी निकालना है। तो देखिए ए बी और सी डी किसके बराबर है एच के बराबर, ए बी बराबर सी डी बराबर एच, और एच देखिए यहां आया है रूट तीन गुना एक्स बराबर रूट तीन गुना एक्स, एक्स कितना आया बच्चों 20 मीटर। तो इसका मतलब ए बी और सी डी दोनों ही किसके बराबर आ गए 20 रूट तीन मीटर, यानी कि खंभों की ऊंचाई आ गई है 20 रूट तीन मीटर। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया था, इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी, वह दूरी आई है 20 मीटर और 60 मीटर, और दूसरा हमसे पूछा गया था खंभों की ऊंचाई, वह आई है 20 रूट तीन मीटर। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो से के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।